दोगे? आज तो बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ बेबी? Stacy's down. Target is loose. West alley. West alley. बिल्कुल हिलना नहीं, हाथ पीछे करो। इन में से कोई नहीं। टारगेट मेरे कब्जे में। तुम्हारे पास पैकेज है? हाँ मिल गया। टारगेट को निपटा दो। नहीं प्लीज, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। हमें जो चाहिए वो मिल गया। उसमें कुछ नहीं है, मैं जो जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। उस ट्राइब में जो है उससे 1000 गुना कीमती। प्लीज मुझे मत मारो। तुम्हें उसे मारना था, इसमें कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन नहीं था तो क्या तुम लोगों को उस पे दया आ गई या उसको दया आ गई? वो क्या नाम है उसका, मर्सी कह लो। सीरियसली ये भी कोई नाम है? बकवास है। उसी ने तो उसे पकड़ा था। हाँ और इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। ये नहीं चलेगा जॉन। स्टेसी मर चुका है और हमें ये मिला है। मैं जानता हूँ बाहर तुम संभालते हो लेकिन डीसी में मैं संभालता हूँ। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, हम सही नहीं जा रहे। उसके पास इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। वो तो मैं देख लूंगा। अब 30 सेकंड में मुझे बताओ मैं तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दूं? अगर हम इंटेलिजेंस की मान है और यही वो है जो हम समझ रहे हैं तो ये गेम चेंजर है। अगर वो अपनी तरफ हो जाए तो हम उनका पूरा खेल बदल सकते हैं कर्नल। ना उसके पीछे जाना ना ट्राई करना, कोई ऑप्शन नहीं है कर्नल। मैं मानता हूं। मैं भी।
कल तुम्हारी टीम 48 घंटों में तैयार हो सकती है। यस सर। बढ़िया, कर्नल हार्डिंग इस ऑपरेशन को लीड करेंगे, काइल तुम सपोर्ट करोगे। थैंक यू कर्नल। ठीक है। ये ब्लैक ऑप्स है, मिलिट्री नहीं। कर्नल हार्डिंग ब्लैक ऑप्स से ही है। हाँ, थे एक जमाने में, अब सब कुछ बदल गया है। ऊपर से ऑर्डर्स हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे लोग हैं, इन्हें हम लाए हैं। हाँ मैं जानता हूँ। मर्सी सर, क्या हो रहा था वहां? वो कुछ बोल रहा था सर। हर कोई कुछ बोलेगा, तुम ऑर्डर्स पे सवाल नहीं उठा सकते। जानता हूं। तुम्हें किसी और ने नहीं चुना था, मैंने चुना था, समझे? ठीक है, नया असाइनमेंट आया, हम सुबह निकलेंगे। कैप्टन ये बताइए, ये अगला असाइनमेंट उसके इन्फॉर्मेशन से जुड़ा है क्या? जरूरी नहीं कि तुम सही थे। लगभग 24 घंटे पहले हमें एक जानकारी मिली कि एक हाई वैल्यू टारगेट को कब्जा करके चेचनिया के एक जेल में बंद रखा है, लेकिन चेचन्स इनकार कर रहे हैं और टारगेट का नाम है रुडोल्फ मार्टिन। Can I help you? Yes. Agent Black, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था। और Natalie, एक चेयर लेकर बैठ जाओ यहाँ। Of course, sir. तो चचन से इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उन्हें खुद रखना चाहते हैं। क्यों? सेकंड चेचन वॉर के दौरान मिलिटेंट सेपरेटिस्ट लीडर शमल बसायव ने मार्टिन को मॉस्को में कुछ सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने के लिए हायर किया था। मार्टिन ने उनसे पैसे लिए, लेकिन फिर अटैक से पीछे हट गया। उसने उन्हें फंसाया, उनकी बेइज्जती की, जिससे वो वॉर में हार गए। काफी सारे पुराने लोग आज भी मार्टिन को ही ब्लेम करते हैं। वो उनका पब्लिक एनिमी नंबर वन है। हमारा मिशन है उस जेल के अंदर घुसकर मार्टिन को जिंदा वापस यहां यूनाइटेड स्टेट्स में लाना। कोई सवाल? ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं जरा उससे बात करके आता हूं। हमारी एंट्रेंस तो बड़ी अच्छी थी। ज्यादा नहीं है? नहीं, सच कह रहा हूं। यही है। ओ हाँ, कुछ ऐसा ही। क्या खबर है? एक ग्लोबल इंटेलिजेंस कंपनी है, बिजनेस के लिए जो CIA होते हैं वैसे। वो यहाँ क्या करेंगे? मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से वो लोग मुझे देख रहे थे, लगता है वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वो सब तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम खूबसूरत हो और वो काफी महीनों से रेगिस्तान में ही घूम रहे हैं। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था। तुम रुडोल्फ मार्टिन को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती उसे। तो फिर इंग्लैंड, जर्मनी, इसराइल, स्पेन और यूनाइटेड नेशंस के काउंटर टेररिज्म डिविजन में मार्टिन से रिलेटेड एडवाइस के लिए तुम्हें क्यों बुलाते हैं? ये सब आपको कैसे पता? ये मेडल्स मुझे ऐसे ही नहीं मिले। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो उसे पूरी तरह जानता है। उसके बारे में कही हर बात पर डिस्क्लेमर होनी चाहिए। वैसे अगर तुमसे पूछा जाए तो चेचन्स मार्टिन के साथ क्या करने वाले हैं? काफी टाइम से मुझे मेरे देश से किसी ने काउंसिल नहीं मांगा है कर्नल। वैसे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं। सच में? मेरे ख्याल से हाँ। खैर, मुझे लगता है चेचन्स उसका ट्रायल लेने वाले हैं। हो सकता है पब्लिकली और फिर एक्सिक्यूट करेंगे, शायद एक घंटे के अंदर। आई एग्री। पर उसकी जान बहुत कीमती है और इसीलिए तुम यहाँ हो। नैटली,
तुम्हारे पापा मेरे अच्छे दोस्त थे और वो अब तक के सबसे काबिल सैनिक भी थे। इसका क्या संबंध? मेरे लिए तो संबंध है, तुम एक यूनिक पोजीशन में हो। तुम सिर्फ दुश्मन को जानती ही नहीं बल्कि मेरा तुम पे पूरा भरोसा भी है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार वो अपने कब्जे में आ जाए तो तुम उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करके इंटरोगेशन लीड करना। तुम कर लोगी, तब तक टीम को तैयार करो, उन्हें बता दो उन्हें किसका सामना करना है। ये क्या है? टीम की जानकारी होना अच्छी बात है। दस साल पहले मार्टिन FBI और इंटरपोल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था। उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या किसी भी देश का सिटीजनशिप नहीं है। रुडोल्फ मार्टिन ही सबका मास्टरमाइंड है। लोगों को साथ लाता है, पैसे लगाता है और टारगेट्स पे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। और वो टेररिज्म का चेहरा नहीं, दिमाग है। दरअसल ये जेल कॉकेसस माउंटेन्स के बेस पे लोकेटेड है। ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी है, हम इसे इन्फर्नो बुलाते हैं। ये जेल नीचे की तरफ बना है और इसके 8 लेवल्स हैं। वहां पहुंचने का कोई साइन नहीं मिलेगा, कोई यार्ड भी नहीं है। एक बार अंदर गए तो वापस आना मुश्किल। तुम्हारी स्पेशल एंट्री होगी एक बॉयलर रूम से। इससे तुम्हें नॉर्दर्न स्टेयरवे का एक्सेस मिलेगा। वहां से तुम अकेले, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। 3 घंटे में वहां से बाहर निकलना। पहले 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और लॉकर्स हैं और उसके बाद जनरल पॉपुलेशन के 3 लेवल्स हैं। और याद रहे, इस एरिया में लगभग 60 से 70 कैदी और आखिरी के 8th लेवल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मार्टिन शायद यहीं पर मिले लेकिन कन्फर्म नहीं बता सकते। मार्टिन का एक ये ही फोटो है हमारे पास। ये 5 साल पहले साउथ अफ्रीका में खींचा गया था। इसे कभी ऑथेंटिक नहीं किया है। वो हाइपर इंटेलिजेंट और बहुत सनकी है। वो अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है, लीक्स फेक करता है और डबल्स को रखता है। हो सकता है वो मार्टिन ना हो और ये सबसे पहले जानने वाले आप लोग। इंटेल के मुताबिक 40 गार्ड्स और उनके वार्डन है इवान ट्रुडोसी। वो लेबनान में पले बढ़े लेकिन चेचन वंश के पुराने SAS ऑफिसर है और उन पर एक POW के खून का इल्जाम है। सजा से पहले वो चेचनिया भाग गए और अब सारे इन्फर्नो ऑपरेशंस की देखरेख करते हैं। एक और बात, पैकेज सिक्योर करते ही तुम्हें ईस्ट में एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ना होगा। तुम लोग अंदर तो शांति से जाओगे लेकिन बाहर शांति से नहीं आ पाओगे। मार्टिन को बाहर निकालने में बहुत शोर होगा। आज तक वहां से कोई बच नहीं पाया। तुम लोगों को उनके मशहूर मेहमान को वहां से निकालने से रोकने के लिए वो लोग कुछ भी करने से बाज नहीं रहेंगे। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, कोई प्लान भी नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं। और याद रखो, कोई भी पीछे से आकर तुमको बचाएगा नहीं। सक्सेस और फेलियर ऑफ दिस मिशन लाइज सोली इन योर हैंड्स। बहुत बढ़िया। सॉरी, मैं तुम्हें चौंकाना नहीं चाहती थी। नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता है, मैं कभी किसी मर्सी नाम के इंसान से नहीं मिली। वैसे बचपन में मुझे भी इस नाम से तकलीफ थी लेकिन अभी आदत हो गई है। इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे पेरेंट्स भी काफी इंटरेस्टिंग रहे होंगे। मैं उन्हें ठीक से जानता नहीं था। मैं जानती हूँ उनकी मौत कैसे हुई। बहुत पुरानी बात है। बहुत ही रिमार्केबल कॉइंसिडेंस है ना? क्या कह रही हो? जिस सेशन को तुमने अरेस्ट किया था, तुम जानते हो उसका संबंध किसके साथ था? बट आई एम श्योर कि तुम मिशन की शुरुआत से ये जानते थे, है ना? एक्सक्यूज मी, इसलिए तुमने उसे मारा नहीं, तुम्हें उसे इन्फो चाहिए थी। मैं मेरे मिशन की डिटेल्स तुमसे डिस्कस नहीं कर सकता। वहां सच में हुआ क्या था? उसने तुम्हें ऑफर किया था या तुमने उससे इस ऑफर की बात की थी? मुझे अब आगे और कोई बात नहीं करनी।
वो एक सिविलियन है जिसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को कुरेदने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। दिस इज अ हाईली डेकोरेटेड सर्जेंट। और तुम्हें ने उसके ऑर्डर्स फॉलो न करने की रिपोर्ट्स फाइल की थी। वो सर्जेंट केलो के फाइल के मुताबिक उसके पेरेंट्स की अटलांटिक के ऊपर सियरा एयर जेट के एक्सप्लोशन में और 300 लोगों के साथ मौत हुई थी, और उस एक्सप्लोशन की जिम्मेदारी का दावा करने वाले यही यूनाइटेड नेशनल डिफेंस फ्रंट वाले थे, वही ग्रुप जिनका वह रशियन ग्रुप था और जिनसे मार्टिन का भी संबंध हुआ करता था। और तुम्हें लगता है कि सर्जेंट केलो रुडोल्फ मार्टिन का शिकार कर रहा है? मुझे लगता है कि सर्जेंट केलो उन सब का शिकार कर रहा है जो उनके पेरेंट्स की मौत का कारण बने। ये मिशन जेंटलमैन मार्टिन को यहाँ जिंदा लाने के लिए है। तो आप कह रही हैं कि सर्जेंट केलो ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता? मैं नहीं, वो कह रहे हैं। देखो, मेरे अपनों का खूनी कभी मेरे सामने आए तो मुझे नहीं पता मैं कैसा फील करूंगी और उसके साथ क्या करूंगी, लेकिन अगर उस वक्त मेरे हाथ में गन हो और वो खूनी मेरे सामने हो तो शायद तब मुझे पता है कि उस वक्त मुझे क्या करना है। ओके ओके, ठीक है, बस बस। कैप्टन विल्क्स और एजेंट ब्लैक, अपनी टीम को तैयार करो। थैंक यू सर। सर, मैंने वो फाइल्स तुम्हें उससे पहचान बढ़ाने के लिए दी थी, उसका साइको एनालिसिस करने के लिए नहीं। देखो, उसका पास्ट अब उसका प्रेजेंट है और अब वो उसे सेटल भी कर सकता है। आई एम सॉरी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसे इस टीम में नहीं होना चाहिए। यस, कंफर्म हो गया? ठीक है, सबको रेडी करो। प्लान में चेंज है। खबर मिली है कि 90 मिनट पहले ग्रोजनी के बाहर के एक मिलिट्री बेस से एक आर्मर्ड डिवीजन निकली है। जब तक वो जॉर्जिया पर हमला करने का नहीं सोचते, उनकी नजर इन्फर्नो पर है। वो उसे हटाने की सोच रहे हैं। शायद वो जान गए होंगे कि हम उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो लोग सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहे हैं। चाहे जो भी हो, हम तुम्हें हमला नहीं करने देंगे। मतलब हमें सब कुछ जल्दी करना होगा। मेरा अंदाजा है वो लगभग 2 घंटे में पहुंचेंगे। अपना पूरा ऑपरेशन 90 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। आने और जाने में 15-15 मिनट, मतलब हमारे पास बचते हैं 60 मिनट मार्टिन को लेकर निकलने के लिए। तो फिर अब देर किस बात की? जा चुके हैं। ये क्या कर रहा है? अंडरग्राउंड में जाने के बाद सिग्नल बूस्ट होता है, जो रेडियो, EKG और वीडियो रिले में मदद करता है। देख पा रहा है।
कुछ गड़बड़ है। तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो। चाबी काम नहीं कर रही, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पैसेज में हूँ। क्या लो, क्या हुआ? मुझे कुछ सुनाई दिया। अपने पोजीशन पे वापस जाओ अभी। कैप्टन, क्या लो, क्या हुआ? बस हो गया, रुक जाओ, कोई आ रहा है। कैलो ने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया कैलो, रिपीट। इस जेल की खास हो तुम, हमारी नजर है तुम पे। अब तुम्हारी बारी, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें आजाद करने की बात करूं और तुम बस यही काम कर सकते हो। तुम कमजोर हो, अब मेरी बारी है। इस तरीके से हम कैदियों में ऑर्डर मेंटेन करते हैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वार्डन, वो ऑर्डर नहीं बल्कि डिसऑर्डर था। अपनी राय अपने पास रखो। इस बात को अगर तुम नहीं संभाला होता तो मुझे बीच में आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारी पोजीशन मुझे मिली। अब अच्छा ये होगा कि तुम इसकी आदत डाल लो। मैं बहुत खुश था कि मुझे वापस मेरे बाप के गांव कभी नहीं जाना पड़ेगा। आज तुमने जो देखा वो मुझे मेरी माँ से मिला है। मेरी रगों में ब्रिटिश खून दौड़ता है। अब अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फिर से मेरे आड़े मत आना। अब निकलो यहां से, मुझे और भी काम है। आराम चल रहा है क्या? बस हो गया, रुक जाओ। तो अब वो कहाँ है? साउथ वेस्ट स्टेयरवेल, सब सेट है, आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। परफेक्ट। तो इंतजार किस बात का? शो की शुरुआत करो। गो। ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है साजन? कौन?
कौन शूट कर रहा है? पता नहीं सर। क्या कैमरास नाइट विजन में है? इंफ्रारेड बंद कर दो। यस सर। रिवॉल्वर एक्चुअल, ये रिवॉल्वर मेन है, सुन पा रहे हो? रिवॉल्वर एक्चुअल, ये रिवॉल्वर मेन, मेरी आवाज आ रही है? हमें एक इमेज चाहिए, जल्दी करो। गड़बड़ वो नीचे नहीं है, चलो। कर्नल, वो अंदर बुला रहे हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर्जेंट। हाय, क्या मैं वो वीडियो फुटेज एक बार फिर से देख सकती हूँ? मॉनिटर्स अभी यूज नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट है। मुझे मुर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस वो आदमी चाहिए जो जिंदा है। हम हर एक्सेस डोर को चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं। सांस लेने तक की जगह नहीं है, हिलना तो दूर की बात। मुझे लगता है कि वो अंदर ही कहीं फंसा है। वार्डन, देखिए। ध्यान कहाँ है तुम्हारा आजकल एलेक्सी? हर मॉनिटर को लेवल 2 पर स्विच कर दो। सब लोग लेवल 2 पर आ जाओ। हे, स्टेशन सिक्योर करो। चलो। मुझे वो चूहा चाहिए अभी। रिवॉल्वर मेन में रिवॉल्वर एक्चुअल, मुझे सुन पा रहे हो? रिवॉल्वर मेन में रिवॉल्वर एक्चुअल, मुझे सुन पा रहे हो? बाहर जो भी है वो इन सब बैकअप सर्वर्स में होते हैं, कुछ ही सेकंड में सिंक हो जाएगा। रिवॉल्वर एक्चुअल, ये क्या है? ये टीम का फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है। तुमने वो सुना? क्या? मुझे लगा मैंने कुछ सुना अभी। I'm sorry, ma'am, मैंने कुछ मुझे नहीं सुना। मैम बुलाना बंद करो, तुम इसे थोड़ा पीछे ले सकते हो? हम अब रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। रिवॉल्वर एक्चुअल, मुझे सुन पा रहे हो?
मुझसे कहा गया कि हमारी टीम वहां 4 घंटे के अंदर जाने के लिए तैयार होगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं नहीं जानता कि यह कितना सही होगा। लेटेस्ट सैटेलाइट के मुताबिक चेचेंस ने नॉर्थ से इन्फर्नो के लिए एक आर्मर्ड डिवीजन मोबिलाइज किया है, और यह बिल्कुल सही है कि वो लोग 90 मिनट में पहुंचेंगे। कोई सेकंड टीम सिर्फ गार्ड्स के साथ नहीं लड़ेगी, बल्कि उन्हें आर्मी का सामना करना होगा। थैंक यू कर्नल। वो सारे मरे नहीं हैं। तुम्हारे पास हथियार है। अगर तुमने आवाज करने की कोशिश की या हिलने की, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझ गए? मुझे मरने की इच्छा नहीं है। मेरे से तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, सच में। अच्छी बात है। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों हो। अच्छा, बताओ क्या है। मुझे मारना मत, मैं तुम्हें उसके सेल तक ले जाऊंगा। किसका सेल? रुडोल्फ मार्टिन। तुम्हारा कहना है कि कैलो इस वजह से जिंदा है? प्राइमरीली हाँ। और कुछ देर पहले किसी ने हमें टीम के सिक्योर चैनल पर कांटेक्ट करने की कोशिश की। और क्या कहा उन्होंने? वैसे वो एक स्टैटिक था, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ तो था। मेरा बंदा है, अगर वो जिंदा है तो उसे निकालना होगा। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कोई किसी को नहीं निकालेगा, ठीक है? अगर ये बात सच भी हुई तो भी हमारे पास इस एक्शन के लिए कोई वारंट नहीं है। आई एम सॉरी। क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं, उन्हें एविडेंस चाहिए। मैं जानता था कि वो एक बिग शॉट है, वो टेररिस्ट है ना? अमेरिकन्स हमेशा टेररिस्ट होते हैं। तुम लोगों ने कोल्ड वॉर मिस किया होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? एटलीस्ट हम यूनिफॉर्म्स तो पहनते हैं। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। तुम बहुत लकी हो कि तुम मुझे मिले मेरे दोस्त। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। क्या कहते हो, नॉर्मल रास्ता नहीं, लेकिन पीछे का रास्ता। मैं समझ गया। और तुम मुझे अमेरिका ले जाओगे क्या? यही तो डील है। डील करना शुरू कर दिया? मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए, सही है ना? नहीं, ये सही नहीं है। तो तुम उसे खुद ढूंढ सकते हो, आसान होगा। वो भी अकेले, जब जेल के सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और तुम्हें पक्का पता है कि वो कहाँ है? मैं रोज उसकी दवाई लाता हूँ। कौन सी दवाई? वो ब्लड शुगर के लिए नीडल्स और इंसुलिन, यू नो। उसे डायबिटीज है? हाँ। तुम मुझसे सच नहीं कह रहे? सच नहीं कह रहे मतलब? मार्टिन के सेल के अलावा कहीं और ले गए तो जानते हो ना क्या होगा। मैं समझ गया। So we have a deal. चलो। देव, याओ। क्या बकवास है? वो खराब नहीं है, ये उसी का खेल है। यहां सब ठीक है, कोई वीडियो नहीं है। कितना दूर है? ज्यादा नहीं है, बस यही है। सीधा जाकर राइट, वो डोर, फिर एक और है। Hey, मुझे लगा सॉलिटरी सेल बेसमेंट में। मैं वो सब नहीं जानता, मैं सिर्फ जानता हूं कि वो यहां है।
चाबी? कोई बात नहीं, ये हर दरवाजा खोलता है, ब्लैक एमएक्स से भी बढ़िया है। आगे मत पढ़ना सर। अंदर है। ये कौन बोल रहा है? जरा जल्दी करो। अलेक्सी, कम इन। कॉपी वार्डन, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? चेंज ऑफ प्लान्स। अलेक्सी, कम इन। रिपोर्ट दो। अलेक्सी, तुम बात करोगे तो तुम्हें कार गिफ्ट करूंगा। कर्नल, आपसे बात करनी है। किस बारे में? आपको एविडेंस चाहिए था ना? ये सारे जो मोमेंट्स हैं वो अटैक के पहले के हैं। ओके, यहाँ ये जिस की कार्ड से हम जेल से और पहले तीन दरवाजे से अंदर गए, अचानक बंद हो गया, और फिर यहाँ लाइट्स ऑन हुई, टीम को ब्लाइंड करके गार्ड्स अंदर आए और ब्लास्टिंग हुई। वो हमारे बारे में जानते थे, हमें अंदर जाने दिया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि हम किस रूट से जाएंगे। उन्होंने पूरी टीम को अंदर आने दिया और फिर हम पर अटैक किया। कर्नल, मुझे लगता है कि हमारे बीच एक इन्फॉर्मर है। मैंने तुमसे ये करने को कहा था? नहीं, आपने कहा कि और किसी को बताया है ये?
नहीं। तुमने अभी मुझसे जो भी कहा किसी और को कहा है? नहीं। अच्छा किया। एक वक्त पर तुम्हारे पिता चेचनिया के हीरो थे अलेक्सी। आज वो तुमसे बहुत निराश होंगे। वैसे हमें पेरिमीटर गार्ड्स को अलर्ट करना होगा। अमेरिकन उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो पेरिमीटर की ओर नहीं जा रहा। आ जाओ। साशा, तुम्हारे दो बेस्ट बंदों को सॉलिटरी ले जाओ। कैदी को यहां मेरे क्वार्टर्स ले आओ। जी वार्डन। तुम यहां क्यों खड़े हो? अरे यूरी, कहां चला गया ये सुअर का बच्चा? Stand back! कहाँ है वो? अच्छी है? हाँ। यहाँ जरूरत पड़ने पर हजारों लाखों का खर्चा होगा, लेकिन कॉफी की बात आती है तो हमें अपने जेब से देने पड़ते हैं। देखो, हमारी शुरुआत गलत हुई है, ठीक है? मैं यूजुअली किसी को ऐसा नहीं टोकता। यूजुअली फिर आप कैसे टोकते हो? बढ़िया, तुमने मुझे इम्प्रेस किया। अच्छा, कन्विंस कर दिया। थैंक्स। तुम कर्नल को कितना जानती हो? काफी अच्छे से। वो मेरे पापा के साथ काम करते थे। हमने सालों से बात नहीं की है। तो उसके बेटे को जानती हो? हाँ। आप रॉबर्ट को जानते हैं? वैसे तो नहीं, मैंने उसकी मौत की कहानी सुनी। क्या? I'm sorry, मुझे लगा तुम जानती हो। और वो कैसे? सुसाइड। Sorry. नाटली मायर्स। मैं सर्जेंट मर्सी कैलो। आई एम सॉरी, जरा जोर से बोलोगे? मैं सर्जेंट मर्सी कैलो हूँ। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी आवाज कट रही है। मर्सी कैलो। मजाक कर रहे हो? नहीं। याद करो, तुमने मेरे पेरेंट्स के बारे में सवाल पूछा था और सोचा था कि मैं ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा। अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया होगा। ओह शिट, मैं जानती थी तुम जिंदा हो। मैं सॉलिटरी में हूँ। मैं मार्टिन को इंटरसेप्ट करने वाला। वार्डन रुडॉस्के, वार्डन रुडॉस्के। कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैं
लॉर्ड रेड, कैदी यहां से भाग गया है। गिर गया। यूरी, कहां चला गया ये सुअर का बच्चा? स्टैंड बैक। मर्सी, तुम सुन पा रहे हो? सर, वो चला गया। मार्टिन, हाथ ऊपर करो अपने। उसने एग्जैक्टली क्या कहा? उसने कहा कि वो सॉलिटरी में है और मार्टिन को इंटरसेप्ट करने वाला है। बस इतना ही? नहीं, ओ हाँ, उसने कहा कुछ गड़बड़ है। ओ शिट, क्या कहा उसने? उसने और कुछ नहीं कहा। थैंक यू सर्जेंट। तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हें कॉल क्यों किया? जाने से पहले मैंने अपना कार्ड दिया था उसे, शायद उसके पास वही नंबर रहा होगा हाथ में। और तुम्हें लगता है वो वही था? हाँ सर, मुझे लगता है।
बेशक वो मिशन पूरा करने की कोशिश में है। हम उसे ये अकेले नहीं करने दे सकते। लेकिन ये तो गलत बात है ना, तुम मेरा नाम जानते हो लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। नहीं बताओगे? होलिये से तुम मिलिट्री वाले लगते हो, मरीन्स, CIA, दोनों में से कोई नहीं। नीचे गार्ड की जो हथकड़ी पड़ी है उसे उठाओ और अपने हाथ लॉक करो। तभी वो मेरी तरफ दौड़ कर आ रहे थे मुझे तुमसे दूर रखने के लिए। क्या हो गया बाहर की दुनिया को? हथकड़ी उठाओ और हाथ लॉक करो। और ऐसा नहीं किया तो? वाह, तुमने जमीन पर गोली मारी, मैं देखकर बहुत डर गया। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा है। उस सांड ने अलार्म बजा दिया है, इसका मतलब और गार्ड्स आने वाले होंगे। मुझे जिंदा रखना है तो तुम शूट नहीं कर सकते। अगर मुझे मारना ही होता तो अब तक मैं मर चुका होता। तो मुझे लगता है तुम फंस चुके हो दोस्त। मजा आया तुम्हें? हाँ, काफी अच्छा था। इससे और मजा आएगा। चुपचाप यहीं बैठे रहो। मैंने कहा था ना और गार्ड्स आएंगे। तुम बंद रखो अपना, जाओ आगे बढ़ो। ये क्या बकवास है? क्या उन्हें भी किक मारो ना। हाँ ये भी चलेगा। मुझे बाहर का रास्ता बताओ। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम पागल हो। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे गार्ड्स को मार दिया है, और कितनों की जान कुर्बान करोगे तुम? उनकी जान बचा लो। एक रास्ता है। स्पीकर पे डालो। ओह नो। सर्जेंट कैलो, मैं नाटली मायर्स हूँ, क्या तुम सुन पा रहे हो? ये तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। मर्सी, मैं काइल बोल रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का एक आसान रास्ता मिल गया है मुझे। सर्जेंट कैलो, मैं कर्नल हार्डिंग हूँ। तुम्हारे पास पैकेज है? हाँ सर है, लेकिन वो साथ चलने के लिए मना कर रहा है। उसे कब्जे में कर सकते हो? कर सकता हूँ, लेकिन मुझे गार्ड से लड़के एक 200 पाउंड के आदमी को फ्लाइट में लाना होगा। ये इतना आसान नहीं है सर। लाइन पर रहो सार्जेंट। जी सर। मार्टिन को भरोसा करना होगा कि उसका बाहर निकलने का जरिया हम हैं। वो ऐसा कर पाएगा? नेटली, वो एक टेररिस्ट है, काफी चालाक, और याद रहे वो ऐसी बचकानी डील्स पर विश्वास नहीं करने वाला।
मैं कुछ और सजेस्ट करने वाली थी, करूं? सार्जेंट खैलो, क्या मार्टिन जानता है वो कहाँ है? वो जानता है कि वो जेल में है। नहीं, क्या वो जानता है कि वो चेचनिया में है? पक्का नहीं कह सकते क्योंकि उसने गार्ड्स को रशियन में बात करते हुए सुना है। तो उसे शायद लगता है कि वो रशिया में है। उसके कुछ दोस्त थे वहाँ जिन्होंने उसे वॉर में मदद की थी। वो शायद किसी इंचार्ज का वेट कर रहा होगा। मर्सी, उससे कहना कि वो चेचनिया में है और अब बहुत जल्द वो लोग उसे मार देंगे। ठीक है। एक्सट्रैक्शन प्लान अब भी चल रहा है ना? हाँ, देखो तुम्हारे पास 40 मिनट है। चर्चिंग ग्राउंड फोर्स वहाँ 55 मिनट में पहुँचेगी। ज्यादा वक्त नहीं है। हम आ जाएंगे सर। हम तुमसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? मेरे पास एक सेलफोन है, कोई रिसेप्शन मिलते ही मैं आपको मेरा नंबर टेक्स्ट करता हूँ। तुम्हें वहाँ से निकालने का हमारे पास बस यही एक रास्ता है। एक बार विंडो बंद हो जाए तो फिर तुम अकेले होगे। समझ रहे हो ना? जी सर। गुड लक मर्सी। मिस मायर्स? यस। कॉल उठाने के लिए शुक्रिया। ऑफ कोर्स। हे 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 हे, अगर वार्डन को पता चला कि मैंने तुम्हारी मदद की तो वो मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को मार देगा। मैं समझ गया। देखो, तुमने मुझे लात मारी, मैंने तुम्हें मुक्का मारा। कम से कम मैं तुम्हारा नाम तो जान ही सकता हूं। ये क्या है? जब तुम्हें लाया था तब तुम्हारी आंखें बंद ही थी या तुम बेहोश थे? तुम्हें ये सब क्यों जानना है? बताओ मुझे। आईडी चेक करो दोबारा। तुम चेचनिया में हो और यहाँ के बारे में तुम अच्छे से जानते हो। चेचन्स ने स्पेशल फोर्सेस भेजे हैं। हमारे पास 40 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। या तो मेरा साथ दो वरना मैं तुम्हें स्पेशल फोर्सेस के हवाले छोड़ दूंगा। तुम्हारी मर्जी है। मुझे खोल दो। देखता हूं कब तक मेरी नजरों से बचोगे। वार्डन, हमने उसे ढूंढ लिया। कायल, ये वो है। वो सेल ब्लॉक से निकल रहे हैं। उसके साथ मार्टिन भी है? मतलब लग तो वही रहा है। ठीक है, क्या मैं? या शो, क्या कर रहे हैं आप? मैं इसमें सेल लगाकर उसके फोन का GPS ट्रैक कर रहा हूँ। वो कैसे करते हैं? नहीं जानती? CIA स्पाई स्टाफ। मैं उसके टेक्स्ट, उसके ईमेल्स पढ़ सकता हूँ और चाहूँ तो उसके गाने भी सुन सकता हूँ। थैंक्स। हम यहाँ 5 फ्लोर नीचे हैं, इसलिए मेरे सेलफोन में कोई रिसेप्शन कैच नहीं कर रहा। समझ गए? जानते हो ना मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। हर मुजरिम यही कहता है। तुम्हें सच में लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स वाले इतने अच्छे होते हैं? तुमसे तो हम बहुत ही अच्छे हैं। ओह, नेटिव अमेरिकन्स का क्या, अफ्रीकन स्लेव्स का क्या, या उन गार्ड्स की बीवियां जिन्हें तुमने अभी मारा? क्या वो सब तुम्हें फरिश्ता समझेंगे? बकवास करना बंद करो। क्यों? कोई आइडिया नहीं है ना कि हम दोनों कहां जा रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूं हम कहां जा रहे हैं। अच्छा, देख के तो नहीं लगता। क्या लगता है टेररिज्म क्यों होता है? तुम्हें लगता है अलकायदा को पसंद है गुफाओं में रहना, वो भी डर में? वो डर के रहते हैं? ऑफ कोर्स रहते हैं। और यूनाइटेड नेशनल डिफेंस फ्रंट का क्या, वो भी डर के रहते हैं? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। नहीं, वो कीड़ों की तरह छिपते हैं क्योंकि वो बच्चों पर बम लगाते हैं और उन्हें रेस्टोरेंट्स, सॉकर स्टेडियम्स में भेजते हैं और एरोप्लेन में भी। वो डर के नहीं रहते हैं। डरने के लिए तुम्हें इंसान बनना पड़ता है। वो इंसान नहीं, जानवर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब कौन जोर से बात कर रहा है?
उठो मेरे मुन्ना। तुम जानते हो तुम यहाँ क्यों हो? बताओ मुझे, उसने सिर्फ तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ा? मैं उनके प्लान्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। उनके प्लान्स? तो मतलब वो एक टीम है। वो बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता ढूंढेंगे। ये रहा लेवल 7 का एग्जिट, सीधा जेल के बाहर निकलता है। ये रहा ये फायर एग्जिट। चलो। वो कभी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मैंने गार्ड से सारे एग्जिट सील करवा दिए हैं। शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेव, सारे मॉनिटर्स को लेवल 7 पर स्विच कर दो। ये बंद है। तो तुम्हारे पास कोई C4 या ऐसा कुछ नहीं है इसे उड़ाने के लिए? मेरे पास ग्रेनेड है, उससे दरवाजा तो टूट जाएगा लेकिन साथ में सीलिंग, दीवार। हेलो मेरे चूजो, हमें निकलना होगा। उन्हें उस एग्जिट के बारे में कैसे पता लगा? डिटेल इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट्स। तो बस यही बहाना मिला। सारे कैदियों के इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स बंद कर दो। जी वार्डन। क्या हो रहा है? कार्ड नहीं चल रहा। कार्ड कैसे नहीं चल सकता? ठीक से स्वाइप करो ना। मैंने स्वाइप किया, ये नहीं चल रहा है। नंबर दबाने होते हैं, नंबर दबाओ। वार्डन रुडोल्फ्स्की, 1 घंटे के अंदर रीइंफोर्समेंट्स आ जाएंगे। हमारे बचे खुचे गार्ड्स को भेजकर हम क्या कर पाएंगे? 2 गुना लोग भी उसे रोक नहीं पाए। गार्ड्स को भेजने की बात तुमसे किसने की? अब चुपचाप यहां बैठे रहो और मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। अटेंशन ऑल इन्फर्नो स्टाफ, सबके सब लेवल 1 के मेन एंट्रेंस। कुछ तो गड़बड़ है। अटेंशन ऑल प्रिजनर्स, मैं वार्डन रुडोल्फ्स्की। हमारे जेल में 2 घुसपैठिए हैं, जो भी उन्हें मेरे सामने लाएगा जिंदा या लाश उसे रिहा कर दूंगा। लग गए। सारे सेल्स अनलॉक कर दो। सारे सेल्स? हर एक सेल को। जेल को अब हम कभी काबू में नहीं ला पाएंगे, कभी नहीं। हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गार्ड्स, अब इसका क्या मतलब? इसे यहां से बाहर निकालो। डॉस की तुम पागल हो गए हो? ले जाओ इसे यहां से। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? रुडोल्फ्स्की, रुडोल्फ्स्की, रुडोल्फ्स्की!
देखो मैं तुम्हारी कुंग फू स्किल का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों से लड़ने के लिए एक एस काम मैंने सारे एक एस चेक किए थे, कुछ नहीं बचा था। ओ, तुमने सारी गन्स चेक कर ली, मतलब 100 की 100 उनमें से एक में भी। देखो हमारे पास 30 मिनट बचे तो हथकड़ी खोलो। कुछ करो। कभी कभी लगता है डेंटल स्कूल जाना चाहिए था। अगर तुम्हें जिंदा बाहर निकलना है तो मुझ पे भरोसा करना होगा। ठीक है, तुम पर भरोसा करता हूँ। हाँ, हम सब शैतान ही हैं जिन्होंने दुनिया को नर्क बना दिया। ये तुम्हारी खुद की लाइन है? नहीं, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। अच्छा ठीक है, हमारे पास 4 गोलियां बची हैं और एक्सट्रैक्शन के लिए 30 मिनट बचे हैं, और इन्फर्नो के सारे कैदी हमें मारने के लिए पीछे पड़े हैं। हाँ। तुम तैयार हो? हाँ, मैं पूरे जोश में हूँ। तो चलो। मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। Open the gate! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! यहाँ से चलो, चलो! निकले वहां से? यस सर। उनको सब पता है ना? यस सर। हे, क्या चल रहा है? उन्हें निकालने जाना है। रेडियो अब साइलेंट है ना? यस सर। मतलब विस्पर मोड पर है क्या? कम इन। कर्नल, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैंने सुना है कि हम मर्सी और मार्टिन को लेने जा रहे हैं। हाँ, उन्हें थोड़ी देर में वहाँ जाना होगा, लेकिन अभी भी प्लान पे काम चल रहा है। ये यूजुअली कैसा काम करता है? ये लोकेशन कौन डिसाइड करता है और ऑर्डर कौन देता है? क्यों पूछ रही हो ये? सर, मुझे सच में लगता है कि कोई इन्फॉर्मर है जो हमारे प्लान्स के बारे में जानता है। नैटली, अगर ऐसा होगा तो कोई भी एक्सट्रैक्शन प्लान दुश्मन के हाथ में ही जाके रुकेगा। देखो, लोकेशन मैंने डिसाइड किया है और उनके निकलने पर मैं ही उस टीम को और सर्जेंट कैलो को बताऊंगा, और उनके डिपार्चर के बाद सारे फोन्स कॉन्फिस्केट किए जाएंगे डिपार्चर टाइम के 10 मिनट पहले, और साथ ही साथ पूरे बेस का इंटरनेट एक्सेस भी कट कर दिया जाएगा। अब ठीक है? यस सर, थैंक यू। कर्नल, मुझे रॉबी के बारे में नहीं पता था। आई एम सॉरी। तुम क्या प्लीज इंटरोगेशन रूम को गेस्ट्स के लिए रेडी कर सकती हो? ऑफ कोर्स कर्नल। अच्छा नहीं हुआ। बुलेट्स बचाओ। पक्का? नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं।
एक्शन टीम लीडर लॉन्च के लिए रेडी हो जाओ। हम बस निकल ही गए। अरे नहीं, फेलिस, टोनी, फ्रैंक, देखो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है करना ही होगा। चलो दो दो करके आना। अब ध्यान से सुन, मेरे को ऑप्शन दिया गया था, तेरे को जिंदा या मुर्दा बना कर ले आने का। अब तू चुन। मुर्दा कौन चुनेगा यार? ये कौन है? कैदियों का राजा। देखो मुझे नहीं लगता कि हमें। तुम रुको, मुझसे डर लग रहा है क्या? क्या बोला? कानपुर में हड़ताल है क्या? मैंने कहा मुझसे डर लग रहा है। जब मैं बच्चा था एक गैंग मेरे घर पे घुस गया था, बाप को मार दिया, माँ और बहन का रेप किया, मुझे टॉर्चर किया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं उस दिन अकेला बचा था, एक पुलिस वाले ने बचा लिया, कहा कि अगर उन्होंने वापस तुझे ढूंढ लिया तो वो तुझे मार डालेंगे क्योंकि तू अकेला विटनेस है। मैं 10 साल का था तब, मुझे डर नहीं लगा था, तो अब डर क्यों लगेगा बे झंडो? देखो तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी थी, मुझे बस 1 सेकंड देना। यहाँ तू और मैं अकेले, अपने आदमियों से कह दे तू जीता तो मेरी लाश ले जाना और इसे जिंदा ले जाना। जैसी तेरी मर्जी। ओड़ना नहीं उसे, धो डालो इसे, तो उसकी चटनी बनाना, इसका कचुंबर बना दो, ओड़ देना उसे। सिर पर बहुत जोर से चोट लग गई है, उस दूसरे पे अच्छे से ध्यान रखना। ये एक बकवास आइडिया है, उससे देखा है तुमने? इसमें 4 गोलियां बची हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम एक्सट्रैक्शन पॉइंट चले जाना। भरोसा है, चलो मारो, अब बताएगा, दिखा दो उसे। सर, सैटेलाइट के मुताबिक चेचन आर्मी लगभग 30 मिनट में इंफर्नो पहुंच रही है। जल्दी पहुंच जाएंगे। इसकी पोटी पकड़ कर लो। ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। बढ़िया। मारो, मारो, मारो। चिकने को मारो, मारो। Finish him. बहुत बढ़िया। मारो उसे, तोड़ दो उसे। मारो, मारो और मारो। अरे बॉस, come on, मारो उसे। Hey! Yeah! तोड़ दो, तोड़ दो। यार ये तो मार खा रहा।
on! Come on, Kong! Come on! Come on, Kong! Come on, Kong! Come on! Come on, Kong! ये नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, कैसा रहेगा कि अगर एक की जगह हम सब यहां से रिहा हो जाएं? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास चाबी है मेन एंट्रेंस की, क्या कहते हो? रॉबर्ट बीमार था। अफगानिस्तान से वापस आने पर उसे सरदर्द और उल्टी हुई। दिल में डर बैठ गया था। मैंने कहा कि उसे स्ट्रेस है वॉर में होने का। मैंने भी इस चीज का सामना किया था। मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं उसे टेस्ट्स के लिए लाया। डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पूरी तरह ठीक था। सिर्फ आराम की जरूरत थी उसे। मैं भी मान गया, रॉबर्ट नहीं माना। वो अजीब सा हो गया था, गुस्से में रहता था। मैंने उससे कहा, तुम ये नाटक करना बंद करो और बड़े हो गए हो। दो हफ्ते के बाद हमें उसकी बॉडी मिली। आई एम सो सॉरी। ठीक है, एक बच्चे को कोने से भी बदतर न ले, किसी को उसके खिलाफ पक्ष लेने के लिए मनाना है। एक्सट्रैक्शन पॉइंट लगभग 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ उस जंगल से सीधा गांव में है। हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। जैसे वफादार नहीं रहे तो तुम्हें लगता है तुमने अकेले ही मेरे जेल को तोड़ दिया। खैर, तुम्हें एक चीज तो भूल गए। सियरा एयर फ्लाइट 19, तुम्हारा टैटू वो एक फ्लाइट नंबर है ना? तुमने नेशनल डिफेंस फ्रंट की बात की, प्लेन में बॉम्ब के बारे में कहा। उस ग्रुप ने एक ही एयरलाइन उड़ाया था। हाँ।
किसे खोया तुम? मेरे पेरेंट्स। ये जानकर बहुत दुख हो। वैसे ये तुम्हें पकड़ना चाहिए, मेरे हाथों में देखेंगे तो। चलो बड़ी शानदार है, तुम पर जचेगी। जल्दी की नहीं है, इन्हें यहां होना ही नहीं चाहिए था। मैसेज किसे करूं? हमें दूसरा रास्ता ढूंढना। बुलेट एग्जिट नहीं है सर, कितना दूर है, कितना दूर है? रोज फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारो। कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब तक की खबर यह है कि जो आदमी कस्टडी में है वो रुडोल्फ मार्टिन नहीं है, बल्कि वो उसका बहरूपिया है। कुछ गिरा दिया तुमने? हाँ, थैंक यू। आजा। ग्रॉबरेट है, 1836, कुछ डॉलर्स के सामान है। आ, तुम सब जानती हो। बचपन में कलेक्ट करती थी। तुम भी? नहीं,
मेरे पापा करते थे, ये उनका कॉइन था। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? कुछ खास नहीं, ये तो रोज का है। डोंट वरी, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो कैसा है, पता नहीं उसका असली नाम क्या है? ओ हम उसे अभी मार्टिन टेबल बुलाते हैं। ठीक नहीं है एक्चुअली, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? मर्सी, बहुत फर्क पड़ता है। सुनो मेरी बातों के, ये एक बहुत हाई वैल्यू एसेट हो सकता है। अगर वो बच गया तो तुमने खुद ही कहा था कि वो मार्टिन का सारा काम जानता है, उसका लोकेशन, कनेक्शंस, पॉसिबल टारगेट्स, मतलब सब कुछ जान सकते हैं। उससे बात करने तक हम श्योर नहीं हो सकते, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई है। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हें सॉरी कहना था। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी, और जो तुमने किया वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाता, तुमने मेरी जान बचाई। फील बेटर। मर्सी, एक्सट्रैक्शन साइट पे एक्चुअली क्या हुआ था? जरा बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं जाते जाते इन्फर्मरी से होकर जाने वाला था। आप निकल रहे हो? वॉशिंगटन से बुलावा आ चुका है, बोलो बात क्या है। पता नहीं कैसे शुरू करूं। आज सुबह जब मैं टीम के फुटेज देख रही थी तो मुझे ये बात क्लियर हो गई कि हमारी बात लीक हुई है। एक्सक्यूज मी, क्या? चेचन्स जानते थे कि हम आ रहे हैं। और ये उस टेप में है? वो एकदम साफ साफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये सब लेकर कर्नल के पास गई और जब हमें पता चला कि मर्सी जिंदा है और हम एक्सट्रैक्शन प्लान कर रहे थे, तब मैं उनके पास फिर से गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि अगर सच में कोई खबरी है तो हमारा एक्सट्रैक्शन कभी नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि सारे डिटेल सिर्फ उन्हें पता होंगे और वही इन्फो रिले करेंगे। मेरी अभी मर्सी से बात हुई, उसने कहा कि चेचल्स भी एक्सट्रैक्शन साइट पर उसी वक्त पहुंचे जब वो पहुंचा। ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। ये ट्रूप मोमेंट्स के फोटोज हैं। वो बी लाइन बना रहा था, ये देखो, और फिर अचानक से उन्होंने अपना कोर्स चेंज किया और वो सीधा मार्टिन और मर्सी के पास गए। तुम्हें लगता कर्नल ने उन्हें बताया? मैं जानती हूँ ये अजीब बात है, मतलब मैंने उस इंसान को पूरी जिंदगी जाना है। शायद पूरी मिलिट्री को उनके बेटे को गुजरने का कारण बता रहे हैं। इतना कि वो बन जाएंगे देशद्रोही। अजीब बात है, लेकिन वही थे जिसे हर डिटेल्स पता थी। मैं इसमें सेल डालूंगा और उसके फोन का जीपीएस ट्रैक करूंगा। नहीं पता, सीआईए स्पाई स्टाफ। मैं उसके टेक्स्ट और ईमेल पढ़ सकता हूँ और उसके फोन के गाने भी सुन सकता हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सर्जेंट,
तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हें वहां जाकर पकड़ा नहीं जाना था मिटर। उससे मिल सकता हूं? ए, क्या हो रहा है कायल? सोच रहे हो ऐसा नहीं है, तुम्हारा क्लियरेंस बढ़ेगा, मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं। सामने आओ मार्शल। ये नहीं चाहता ना तुम्हारे लिए ना टीम। के नेटवर्क के लिए काम करता है। वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? क्योंकि मैं मार्टिन को अच्छी तरह जानता हूं। मेरा असली नाम विक्टर है। मर्सी कैलो। ये तुम्हारा असली नाम है? तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, तुम्हें काफी सूट करता है ये। बस इतना ही? कोई चीज का परहेज करना है? सर्जेंट कैलो। यस सर। एट ईज सर्जेंट। अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? नहीं सर, दरअसल मुझे आज तक कभी असाइनमेंट चूज करने का मौका नहीं मिला। और अगर मैं चॉइस का मौका दूं तो? मुझे नई टीम रेडी करने के लिए कहा गया और मैं चाहता हूं कि तुम उसमें शामिल हो। कैसा काम सर? जिसमें तुम माहिर हो। ऐसी जिंदगी हर किसी के लिए नहीं होती मर्सी। नेटली के लिए नहीं थी, मेरे बेटे के लिए नहीं थी, और देखो यहां तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी इसके लिए। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। मैं जोखिम को समझता हूं सर, लेकिन जिंदगी खोने से भी बदतर कुछ होता है। वो क्या? ये सोचकर जीना कि मैं मदद कर सकता था, फिर भी नहीं कर पाया। तो अब किस बात की देरी है?